यह नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह जो हमारी क्लास होती है फीटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए होती है तथा जो छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे DRDO हुआ, UPR VNL हुआ, सेल हुआ, भेल हुआ, इसरो हुआ, भाभा हुआ, सभी प्रकार के लिए निम्न क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि प्ले स्टोर पर हमारी ऐप भी आ चुकी है AB कंपटीशन क्लासेस के नाम से। किसके नाम से? AB कंपटीशन क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप आ चुकी है। इसे आप जाइए डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल कराए गए हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज हैं फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए छात्रों के लिए कम से कम दाम में बैच मुहैया करा दिए गए हैं। और जाइए आज ही AB कंपटीशन क्लासेस को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए। आइए हम शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने सेफ्टी के प्रश्नों को देखा था, यानी जो निम्न क्वेश्चन के द्वारा सेफ्टी के 20 प्रश्न दिए गए थे हमने कल उनकी चर्चा की थी। आज जो होगी हम बेसिक फिटिंग के पोर्शन को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है आपसे कि फाइल के यक्ष रूप में चिन्हित भाग को नाम दें, यानी कि नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज यक्ष, यानी कि यक्ष पार्ट से जो मार्किंग किया गया है इसका नाम बताना है आपको। तो आइए उससे पहले हम बाकी नाम बता देते हैं। यह जो आपको बड़ी वाली तीर दिखाई दे रही है यह हमारी फाइल लेंथ है, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, फाइल की लंबाई बोला जाता है। या ऊपर वाला भाग जो होता है जहाँ पर सिंगल कट दाते कटे हुए हैं यह हमारी फाइल की फेस होती है। यह सबसे वाला पीछे वाला पार्ट जो होता है वह हमारा हैंडल होता है। यह वाला पार्ट हमारा फेरुल होता है जो धातु का छल्ला लगा दिया जाता है जिसके कारण इसका हत्था फटने से रोकता है। तो यह वाला धातु के छल्ले को क्या बोलते हैं, हम फेरुल बोलते हैं। और ये दो तिरछा वाला पार्ट होता है, यह हमारा जो बिल्कुल तिरछे की तरफ है उसे हम टैंग बोलते हैं। और यह वाला जो पार्ट आपसे पूछा गया है यक्ष के रूप में उसे हील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हील बोलेंगे। और यह वाला जो पार्ट होता है टिप आर पॉइंट होता है। क्या होता है, टिप आर पॉइंट, यह इसका एज होता है। यह हमारी फाइल के नॉमेनक्लेचर हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। यानी सबसे आगे वाला पार्ट क्या हो गया, टिप आर पॉइंट हो गया, ऊपर वाला फेस हो गया, साइड वाला आपका एज हो गया, यह हमारी फाइल लेंथ हो गई। और यहाँ पर जो सिरे में जो जहाँ पर दाते नहीं कटे हुए हैं वह हील होता है जो यक्ष के पूछा गया है। और यह बिल्कुल तिरछा वाला पार्ट हम जब देखेंगे यहाँ बिल्कुल जो अंदर की तरफ गया हुआ है यह हमारा टैंग होता है। टैंग के ऊपर ही हम फेरुल लगाते हैं जो धातु का छल्ला होता है। और सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है वह लकड़ी का हत्था होता है। ठीक, इतने प्रमुख पार्ट हैं। तो इसका राइट आंसर जो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हील हो जाएगा। अब आइए हम 22 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, यानी कि ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम समकोण की जांच करते हैं, क्या करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम ट्राई स्क्वायर की सहायता से स्क्वायरनेस की भी जांच करते हैं तथा फ्लैटनेस की भी जांच करते हैं। यानी इसको ट्राई स्क्वायर की सहायता से और क्या किया जा सकता है, ट्राई फ्लैटनेस की भी जांच करते हैं, यानी कि समतलता की और वर्गाकारिता की भी जांच की जाती है। यानी कि ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का होता है आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, बहुत से लोगों ने, हमारा ट्राई स्क्वायर कुछ इस प्रकार का होता है। यानी यह आकार का होता है, यह इसका स्टॉक होता है। क्या होता है, स्टॉक होता है। यह वाला पार्ट आपका ब्लेड होता है जो कि 90 डिग्री पे बना होता है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे बना होता है। और यहाँ पे एक अंडरकट बना होता है जिसका उपयोग वर्र को स्थान देने के लिए किया जाता है। और ट्राई स्क्वायर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो इतने क्वेश्चन जो थे ट्राई स्क्वायर से थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो इसमें क्या पूछा गया था आपसे ट्राई स्क्वायर का उपयोग, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समकोण की जांच करने के लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है। विच मार्किंग मीडिया हैज पॉइजनियस, यानी कि
कौन सा मार्किंग मीडिया जो है जहरीला होता है। तो जॉन कौन सा मार्किंग मीडिया हमारा जहरीला होता है, हमारा जो कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया होता है वह जहरीला होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रफ और फोर्जिंग सतह पर किस मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो रफ और फोर्जिंग सतह पर वाइट वाश का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन यूपी आरवीयूएनएल में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रफ और फोर्जिंग सतह पर और कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो रफ और फोर्जिंग सतह पर हम व्हाइट वाश का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जहरीला पूछा हो गया था, तो जहरीला कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट होता है, इसीलिए इसका उपयोग करते समय हम सावधानी बरतते हैं और ब्रश की सहायता से हम इसे लगाते हैं। अब आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर, यानी कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा जो है स्क्राइबर को पकड़ता है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है वह आपका स्नग होता है। क्या होता है, स्नग होता है। तो 24 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इस वॉइस का नाम बताना है आपको, यह कौन सा वॉइस है, यह हमारा जो वॉइस है आपका हाथ में इसे पकड़ कर काम करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हैंड वॉइस हो जाएगा। यानी कि 25 में का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर हाथ से खोलने और कसने के लिए विंग नट लगी होती है। कौन सी नट लगी होती है, विंग नट लगी होती है। हमारा जो वॉइस है हमारा हैंड वॉइस है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक्स बीकेम लूज बिकाज ऑफ, यानी कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है। यानी कि नया जो हेक्सा ब्लेड है कुछ स्ट्रोक यानी चलाने के बाद हमारा ढीला हो गया है, इसका सिर्फ एक कारण है, वह है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड का खिंच जाना। क्योंकि ब्लेड खिंच जाता है जिसके कारण हमारा नया हेक्सा ब्लेड क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो 26वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर इजली वाइल साइंग ऑफ थिन वाल्ड वर्कपीस एंड स्टार्ट ऑफ कट, यानी कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। तो दांते बहुत आसानी से टूट जाने का एक ही कारण है कि हाथ का बल केवल कुछ ही दांतों पर काम करता है। यानी कि अगर पूछा जाए पतला कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैंड फोर्स ऑन ऑनली फ्यू टीथ, यानी कि हाथ का जो बल है केवल कुछ ही दांतों पर काम करता है, इसीलिए दांते क्या होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है कि विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स ज्वाइंट, यानी कि कॉर्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो कॉर्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल को जो चौखोर करने के लिए जिस छेनी का प्रयोग किया जाता है वह होती है हमारी डायमंड पॉइंट चीजल। क्या होती है, डायमंड पॉइंट चीजल। याद रखिएगा, जब कॉर्नर की बात आएगी तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल की तरफ जाएगा। तो 28वें का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेम द पार्ट ऑफ मार्क यक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताना है। यानी कि 29 में क्या है हमारा, सबसे पहली बात जान लीजिए, यह बाल के आकार का है, इसलिए हमारा यह कौन सा हैमर है, बाल पिन हैमर है। कौन सा हैमर है, बाल पिन हैमर है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पहली बात यह बाल पिन हैमर है। सबसे ज़्यादा फिटर में इस्तेमाल होने वाला जो हथौड़ा है वह बाल पिन हथौड़ा होता है। उसके बाद यह हमारी हैंडल है, यानी कि यह हमारी लकड़ी का जो हैंडल बना होता है यह हेकरी उड या फिर अकारिया उड का बना होता है। उसके बाद यह इसका जो पार्ट है यह हमारा क्या होता है, पिन होता है। क्या होता है, इसे हम पिन बोलते हैं। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम फेस बोलते हैं। यह वाला पार्ट जो होता है आई होल होता है। क्या होता है, आई होल होता है। आई होल किस आकार का होता है,
अंडाकार आकार का होता है। किस आकार का होता है? अंडाकार आकार का होता है, जिसे इंग्लिश में हम ओवल शेप बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं? ओवल शेप बोलते हैं। और यह वाला यक्स पार्ट जो आपसे पूछा गया था, यह इसका चीक है। क्या है? इसका चीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है, तो हथौड़े का वजन उसके चीक पे दर्शाया जाता है। तो यह हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? यह हमारा चीक हो जाएगा। आइए देखते हैं किस में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि 29 का क्या हो जाएगा? आज चीक हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या चीक हो जाएगा। यह पिन कौन सा है? यह वाला पिन है। यह वाला पार्ट हमारा फेस है। यह वाला पार्ट हमारा आई होल है। यह हथौड़े के प्रमुख पार्ट होते हैं जो आपको वो याद रखने चाहिए। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है। विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कल ऑन द कटिंग चीजल, यानी कि काटे जाने वाले छैनी पर प्रतीक जो चिन्ह है वह गामा को कौन सा निरूपित करता है। यानी कि इसमें तीन आपको दिखाई दे रहे होंगे फिगर में, अल्फा दिखाई दे रहा होगा, बीटा दिखाई दे रहा होगा और गामा दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में? गामा पूछा जा रहा है। तो गामा का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यह जो एंगल पूछा जा रहा है रैक एंगल, अगर आपसे अल्फा पूछा जाता तो यह हमारा एंगल क्लियरेंस एंगल है। कौन सा एंगल है? यह हमारा क्लियरेंस एंगल है। उसके बाद यह बीच वाला जो बीटा है, हमारा बीटा जो होता है उसे हम कटिंग एंगल, वेज एंगल या फिर पॉइंट एंगल बोलते हैं। बीटा का कितने नाम है? तीन नाम है। उसे हम कटिंग एंगल भी बोलते हैं, वेज एंगल भी बोलते हैं और पॉइंट एंगल भी बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अल्फा जो नीचे से एंगल बनता है सबसे पहला, वो हमारा क्लियरेंस कोण होता है, जिसे हम निकासी कोण भी कहते हैं। बीटा हो गया, बीटा हमारा कटिंग एंगल, वेज एंगल या फिर पॉइंट एंगल होता है। और हमारा जो गामा है वह आपका रेक कोण है। गामा कौन सा है? रेक कोण हो जाएगा। इसमें एक और एंगल पूछ लिया जाता है छैनी के अक्ष से, या हमारी जो वर्किंग सरफेस है यह एंगल हमारा क्या कहलाता है। जो छैनी के अक्ष से वर्किंग सरफेस के बीच जो एंगल होता है वह एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी कि झुकाव कोण बोला जाता है। कौन सा कोण बोला जाता है? झुकाव कोण बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गामा पूछा गया था तो हमारा रेक एंगल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दें, अगर क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दें तो क्या होगा? आप चित्र के अनुसार देख के आप खुद समझ सकते हैं, अगर क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो हमारा फिगर कुछ किस प्रकार से बन जाएगा। हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अगर यह एंगल हम बढ़ा दें। यह एंगल यानी यह कोण बढ़ जाने के बाद यह एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और हमारी छैनी क्या होती है? सरफेस पर गड्ढा कर देती है, यानी कि वह कटिंग नहीं कर पाएगी आसानी से, वह सतह पर गड्ढा कर देगी। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्लियरेंस एंगल को कम कर दें तो क्या होगा? अगर क्लियरेंस एंगल कम कर दें तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यानी क्लियरेंस एंगल इतना हो गया, रैक एंगल अब बढ़ जाएगा, तब हमारी छैनी क्या होती है? फिसल जाती है। यह इसकी महत्वपूर्ण इतनी बातें थी। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू विदाउट रैप्चर, यानी कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए बिना टूटे तार के रूप में खींचा जाए तो वह हमारी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। तन्यता के गुण के कारण ही तारों को बनाना संभव हो पाता है। अगर आपसे इलास्टिसिटी पूछ ले, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर हम किसी मटेरियल को, धातु का वह गुण जो होता है जिसे हम खींच दें और वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाए, वह गुण इलास्टिसिटी का गुण कहलाता है। अगर हम खींच दें पुरानी अवस्था में अपने वापस ना पाए तो वह प्लास्टिसिटी का गुण कहलाता है, जिसे हम सुघट्यता का गुण कहते हैं। और मैलिएबिलिटी, जिसकी हिंदी आघात वर्धिनता होती है, यानी कि पीट पीट कर चद्दर के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वह आघात वर्धिनता कहलाती है। और अगर हम किसी धातु पर हल्का सा प्रहार करें वह टूट जाए बुरी तरह से, तो उसे हम भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस कहते हैं। धातु की
एक एक प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें तार के बारे में पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31 का, पहला हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच, यानी कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। यानी कि 32वें का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, यानी कि थिम्बल के बारे में बात हो रहा है। माइक्रोमीटर के प्रमुख पार्ट्स में हमारा थिम्बल आता है, थिम्बल जो कि सर्कुलर स्केल पे बना होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल की जो थ्रेड है 0.5 mm पिच का है, तो उसके लिस्ट काउंट के बराबर होगा यानी कि 0.01 mm होगा। तो 32वें का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इस वर्नियर कैलिपर की आपको रीडिंग बतानी है, क्या बतानी है इस वर्नियर कैलिपर को आपको रीडिंग बतानी है इस फिगर को देख के, यानी कि अब देखिए अब कि किसके आगे बना गया है, 20 के आगे आपको तीर दिखाई दे रहा है, ठीक 20 के आगे तीर दिखाई दे रहा है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02, क्या होता है 0.02, यानी कि हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2×4, यानी कि लास्ट में जहां पे 4 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 35.4, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 पे तीर बना गया है, लिस्ट काउंट का जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4, यानी कि लास्ट में आना चाहिए। तो किसके लास्ट में 0.4 आ रहा है, 35 वाले के, तो क्या हो जाएगा 35.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, यानी कि आपको अब इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग बताना है। ऊपर वाली हमारी कौन सी स्केल होती है, या हमारी मेन स्केल होती है या वर्नियर स्केल होती है। ऊपर वाले स्केल जो है 1 डिग्री के बराबर बताती है, नीचे वाली जो स्केल होती है 5 मिनट के बराबर बताती है। इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। अब यहाँ पर देखिए 41 पे तीर का निशान दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 41 गुणे हम कर देंगे 1, यानी कि यह 41 डिग्री आ गया। यह बात तो कंफर्म हो गई, क्या हो गया 41 डिग्री आ गया। अब हम 0 से यहाँ तक खानों की संख्या गिनेंगे, क्या करेंगे 0 से यह दो तीर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खानों की संख्या गिनेंगे, तो यह कितने खाने हैं 0 से यहाँ तक, यहाँ तक यह 10 खाने आएंगे। कितने खाने आएंगे 10 खाने आएंगे, यानी जो वर्नियर स्केल है, तो एक स्केल का मान कितना होता है 5 मिनट होता है। एक स्केल का मान कितना होता है 5 मिनट होता है, तो 10×5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 मिनट, यानी ऊपर कितना आया था 41 डिग्री, नीचे कितना आ गया 50 मिनट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम इसे फिर से क्लियर कर देंगे। यह ऊपर वाली देखिए यहाँ पर 41 दिखाई दे रहा है, इसका 1/1 डिग्री के बराबर होता है, 41 डिग्री हो गया। और यहाँ से 0 से आप यहाँ तक के खानों को गिनेंगे तो 10 खाने आएंगे, एक खाने का मान 5 मिनट होता है, तो 10×5 कितना हो जाएगा 50 मिनट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा 41 डिग्री 50 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज, यानी कि फीलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि हमारी जो फिलर गेज है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी जो फिलर गेज होती है उसका काम होता है चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, यानी कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जो जांच की जाती है वह हमारे फिलर गेज की सहायता से करते हैं। तो 35वें का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, चेक द गैप बिटवीन सम मेटिंग पार्ट्स, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। अब अगला क्वेश्चन है, रीड द
मेजरमेंट इन डायल कैलिपर, यानी कि डायल कैलिपर में क्या बताना है, मेजरमेंट को बताना है। यहाँ पर इसके बीच में देखिए इसका लिस्ट काउंट भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिस्ट काउंट भी लिखा हुआ है। आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ये कितने खाने खुला है, या 10 हो गया, या 20 हो गया, और या 5 25 हो गया। यहाँ पर आपको कितनी रीडिंग मिल रही है? 25 मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डायल कैलिपर में या 20 के बाद 25 के पहले तक है, तो यानी कि 24 खानों तक है। तो 24 में किसका गुणा करेंगे? यहाँ पर लिस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.05 का गुणा करेंगे। जब 24 में हम 0.05 का, तो आएगा 1.2। कितना आ गया? 1.2 आ गया। और यहाँ पर कितना है? 25 है। और यहाँ पर कितने खाने दिखाई दे रहे थे आपको? यहाँ 10 खुला हुआ है, 20 खुला हुआ है, यहाँ पर 5 25। 25 में 1.2 जो जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 26.2 आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच पार्ट इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन, यानी कि एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि किसमें पूछ रहा है कि एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो हमारा जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होता है उसमें जो ऑपरेशन होता है हमारा, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, यानी कि 37वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ड्रिलों का क्रमिक संचालन। यानी कि गैंग ड्रिल मशीन में क्या होता है, बहुत सारे ड्रिल मशीन होती हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिलों का क्रमिक संचालन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर में एक स्टॉक का जो अभिन्न हिस्सा होता है वह क्या होता है? तो 38वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38वें का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डायल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 39 में क्या कह रहा है? नेम द मार्क एज यक्स ऑफ द फाइल। हमने आपको फाइल का पूरा नंबर नाम निक्लेचर बता दिया था। यह हमारी फाइल लेंथ है, यह हमारी फेस है, यह हमारा एज है, यह हमारा टिपर पॉइंट है, यह वाला पार्ट हमारा हील है, यह पार्ट यक्स जो पूछा गया है, यह फेरुल है, पीछे वाला हैंडल है। तो क्या हो जाएगा? यक्स पार्ट हमारा फेरुल हो जाएगा। देखते हैं फेरुल किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 39वें का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, वह हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज, यानी कि जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए जिस फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं वह सेकेंड कट फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? सेकेंड कट फाइल होती है। यानी जॉब को हमारे जब फिनिशिंग साइज के करीब लाना होता है तो सेकेंड कट फाइल को हम उसका उपयोग करते हैं। एक बात तो याद रखिएगा, फाइलों का जब वर्गीकरण पूछा जाता है तो कट के आधार पर हमारा सिंगल कट होता है, डबल कट होता है। इसमें कट आ जाता है इसलिए सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मार देते हैं ऑप्शन की कट के आधार पर सेकंड कट भी फाइल होती है। लेकिन याद रखिएगा, यह जो फाइलों का वर्गीकरण होता है यह ग्रेड के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? ग्रेड के आधार पर यह फाइल का वर्गीकरण है, सेकंड कट फाइल। इस बात को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, यानी कि किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? वह हमारी कौन सी फाइल होती है जो पूरी तरह से कैसी होती है? पैरेलल होती है, यानी कि पूरी तरह से समानांतर होती है, वह हमारी हैंड फाइल होती है। याद रखिएगा, अगर हमारी फाइल पूरी तरह से पैरेलल है, पूरी तरह से समानांतर है, तो वह हमारी हैंड फाइल है। और एक हमारी फ्लैट फाइल होती है। फ्लैट फाइल का जो 2/3 भाग होता है समानांतर होता है, आगे का 1/3 भाग क्या होता है? टेपर होता है। वह हमारी फाइल जो होती है फ्लैट फाइल होती है। याद रखिएगा, अगर पूरी तरह से हमारी फाइल जो है, यानी कि रेती जो है, पैरेलल है, यानी कि समानांतर है, तो हमारी हैंड फाइल है। एक मिनट अभी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यह फाइल, देखिए आपको देखने में कैसी लग रही है? पूरी तरह से समानांतर है, यानी कि आगे भी जितना पीछे भी उतना, तो ये हमारी हैंड फाइल हो जाएगी। अगर आपको फाइल कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाए आए तो यह हमारी फ्लैट फाइल हो जाती है, यानी कि आगे का भाग क्या हो जाएगा? हल्का सा टेपर हो जाएगा। तो यह बात भी आप लोग याद रखिएगा, यह समानांतर पूछा गया था तो क्या हो जाएगा? हैंड फाइल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस, यानी कि बेंच वाइस को बनाने की सामग्री या मटेरियल क्या है। तो बेंच वाइस को बनाने के लिए जो सामग्री या मटेरियल होता है वह हमारा होता है कास्ट आयरन। क्या होता है? कास्ट आयरन होता है। 42 का क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी हो गया। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री या मटेरियल क्या है? हमारा कास्ट आयरन है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड्स क्लियर लाइंस ऑन द मशीन्ड फिनिश्ड सरफेस, यानी कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं, तो वह होता है हमारा पर्शियन ब्लू। क्या होता है? यानी कि स्पष्ट रेखाओं की बात आ जाए, स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं, वह हमारा कौन सा होता है? पर्शियन ब्लू होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, What is the purpose of slats provided in the slotted angle plate? यानी कि हमारी जो slotted angle plate होती है उसमें slot जो बने होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? तो slotted angle plate में जो slats बनी होती हैं वह जाब को पकड़ने के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि जाब क्लैंपिंग के लिए। तो 44 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, यानी कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनी कैलिपर। यानी कि किसी की सेंटर है, सेंटर अगर मान लीजिए कोई भी है हमारा, इस प्रकार का कोई वर्क पीस है, राउंड बार है, कोई राउंड छड़ है, इसके सेंटर को फाइंड आउट करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का जो अन्य नाम होता है इसे हम ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड लेग कैलिपर भी बोला जाता है, तथा इसका एक अन्य नाम भी है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है, पॉइंट कैलिपर इसी के नाम है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जेनी कैलिपर का अन्य नाम, तो ऑड लेग मिल जाएगा या फिर आपको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर मिल जाएगा। और इसमें जो इसकी एक टांग होती है 45 डिग्री पे मुड़ी होती है, तथा दूसरा जो पॉइंट होता है बिल्कुल नोकीला बना होता है, तो 45वें का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, नेम द पार्ट मार्क एज यक्स, यानी कि यक्स के रूप में आपको चिन्हित भाग का नाम बताना है। यह कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 46 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यह जो हमारा है फलक्रम है। क्या है? यह फलक्रम है, यानी कि यह डिवाइडर आपको दिखाई दे रहा है, यह डिवाइडर का क्या होता है? फलक्रम होता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है, यह डिवाइडर का क्या हो जाएगा? फलक्रम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि 46 का क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, नेम द एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 47 में। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल बेवल गेज हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, आपको इसका अंतर पहचानने का हम एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं कि अगर आपको तीन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं, तो यूनिवर्सल बेवल गेज है। अगर आपको दो ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, कितने ब्लेड? तो दो ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा आंसर बेवल गेज हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, अगर तीन दिखाई दे रहे हैं तो यूनिवर्सल बेवल गेज, अगर दो ब्लेड दिखाई दे रहे हैं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेवल गेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? है तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा नाइफ एज फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइफ एज फाइल। यानी कि 10 डिग्री से ऊपर की जब बात आएगी तो आपका एक ही आंसर होगा, नाइफ एज फाइल होगा। तो 48वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेम द डिफेक्ट दैट काजेज द मेटल चिप्स टू क्लोज बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल,
यानी कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, यानी कि जब धातु के चिप्स हैं फाइल के दांतों के बीच, यह हमारी फाइल है, काम करते करते इसमें चिप्स क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, इस घटना को पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए हम फाइल काट या फिर वायर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी यह घटना हो जाती है तो हमारी जो फिनिश सरफेस होती है उस पर खरोचे आ जाती हैं, है यह भी बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग आयल ग्रुप्स, यानी कि आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमें किसकी कटिंग करनी है, आयल ग्रुप्स की कटिंग करनी है, तो किस छेनी का उपयोग करेंगे आयल ग्रुप्स की कटिंग करने के लिए। तो 50वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट चीजल होगा नहीं, हमारा 50वें का राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हाफ राउंड नोज चीजल, यानी कि 50वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायमंड पॉइंट चीजल कॉर्नर पर की बात आई थी इसके पहले, कॉर्नर पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए हमारा आंसर क्या था, डायमंड पॉइंट चीजल था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है चेन ड्रिलिंग के बाद किस चीजल का उपयोग करते हैं, तो चेन ड्रिलिंग के बाद हम वेब चीजल का उपयोग करते हैं। यह दो तीनों चीजल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमने बेसिक फिटिंग के लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है जो आपके फिटर फर्स्ट ईयर तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, और आप जाइए प्ले स्टोर पर AB कंपटीशन क्लासेस को डाउनलोड करके भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं।